चाचा चौधरी और गुलामों की बिक्री। तबकिस्तान का एक गुलाम बाजार, एक से एक बढ़िया गुलाम सस्ते दामों में। मुताबो, हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं। तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है, उसे ला दो, हम 1,00,000 दिनार देगा। कमाल है। दिनार 1 अरब सिक्का। 1,00,000 दिनार? इतने में तो मैं 10 साबू तुम्हारे हवाले कर दूं। अबे बच गए। मुतेबो चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी, साबू को बेचोगे? है भाई, साबू कोई भेड़ बकरी नहीं जो तुम खरीदने निकल पड़े। गुलामों की खरीद फरोख का जमाना लद गया है, अब हर इंसान आजाद है। ये सुनकर मुतेबो वापस चल देता है। मैंने कभी हार नहीं मानी चौधरी, साबू को गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। रास्ते में रुस्तम, वह देखो साबू झपकी ले रहा है। पहना दो इसके हाथों में जंजीरें और गुलाम बनाकर ले चलो। वो दोनों साबू को जंजीरें पहना देते हैं। आका, मैंने इसको जंजीरें लगा दी है। अबे क्या करता है? मुतेबो का हंटर चल जाता है। उठो, तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हुए। तबकिस्तान का गुलाम बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साबू ने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया तो उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। एक झटके में साबू ने वो जंजीर तोड़ डाली। मुतेबो, नहीं मुझे मत पकड़ो। ये तो गया काम से। साबू का एक जोरदार घुसा और मुतेबो हवा में उड़ता हुआ सीधा अस्पताल के सामने गिरा। हाय। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलामी के दिन लद गए हैं।